दोस्तों स्वागत है आप सभी का नॉर्थ ईस्ट मेगा प्रोजेक्ट सीरीज के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं NE इंफ्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान जो कि बाद में बांग्लादेश बना, बांग्लादेश के अलग होने से नॉर्थ ईस्ट को काफी नुकसान हुआ था। असम और नॉर्थ ईस्ट को रेल से कनेक्ट करने वाला मेनलैंड का कुछ हिस्सा बांग्लादेश में चला गया था जिस कारण नॉर्थ ईस्ट का रेलवे से संपर्क टूट सा गया था। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट को रेलवे से कनेक्ट करने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया और अभी तक इसमें कितना काम हुआ सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। साथ ही नागालैंड की कैपिटल सिटी कोहिमा को रेलवे से कनेक्ट करने वाला प्रोजेक्ट यानी कि दीमापुर जब्जा कोहिमा रेल लाइन प्रोजेक्ट का भी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा रेल नेटवर्क असम स्टेट में ही है। केवल रेल ही नहीं रोड और एयर कनेक्टिविटी के मामले में भी असम टॉप पर है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले असम स्टेट में ही रेल चली थी आज से लगभग 138 साल पहले। 1828 में असम में काफी मात्रा में कोल यानी कि कोयले की खोज हुई थी, लेकिन शुरुआत में लोकल लोगों द्वारा ही कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। 1865 के आते आते असम के कोयले का कॉमर्शियल यूज होने लगा और बाहर भी इस कोयले की काफी ज्यादा डिमांड होने लगी। उस टाइम तक इंडिया में रेल की शुरुआत हो गई थी। 1853 में ही मुंबई के पास ठाणे और बोरीबंदर के बीच रेल सेवा शुरू हुई थी और उस टाइम तक रेल काफी फेमस हो रहा था इंडिया में, तो कोयले के ट्रांसपोर्टेशन के लिए असम में भी एक रेल लाइन बिछाने का काम स्टार्ट हुआ और 1881 में पहली बार असम में रेल सर्विस की शुरुआत हुई थी। और उसी साल दार्जिलिंग हिमालय रेल टॉय ट्रेन भी शुरू हुआ था सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच। ये ट्रेन पहाड़ी इलाकों में ही चलती है और आज भी ये ट्रेन नैरो गेज पर ही ऑपरेट होती है। इस ट्रेन में ट्रेवल करने के लिए काफी संख्या में टूरिस्ट भी यहां आते हैं और 1999 में यूनेस्को द्वारा इस रेल लाइन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला, तो ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि हम अपने हेरिटेज को भी मेंटेन कर रहे हैं। 1881 में नॉर्थ ईस्ट में रेल पहुंचने के बाद काफी तेज गति से रेलवे का विकास हुआ। 1904 में चित्तागोंग पोर्ट से लमडिंग होते हुए तिनसुकिया तक रेल लाइन को कम्प्लीट किया गया। ये चित्तागोंग पोर्ट आज बांग्लादेश में है। 1910 में अमिनगांव को रेल नेटवर्क से कनेक्ट करके नॉर्थ ईस्ट को देश के बाकी रेल नेटवर्क से कनेक्ट किया गया। उसके बाद 1920 में लमडिंग को भी गुवाहाटी से कनेक्ट किया गया और पहली बार ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल बनाया गया। धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट में रेलवे का विकास हो रहा था। फिर 1947 में इंडिया का पार्टीशन हो गया और दो टुकड़ों में पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के बनने से नॉर्थ ईस्ट में रेलवे कनेक्टिविटी खत्म हो गई, क्योंकि बांग्लादेश के लिए बॉर्डर डिसाइड करते टाइम इन बातों का ख्याल नहीं रखा गया। केवल नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, पाकिस्तान के बनने से पंजाब और जम्मू में भी रेल कनेक्टिविटी कुछ टाइम के लिए खत्म हो गई थी। इंडिया की तुलना में बांग्लादेश काफी छोटा देश है और बांग्लादेश को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन भारत को काफी नुकसान हुआ। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के पास इंडिया को मात्र 22 किलोमीटर के चौड़ाई में एरिया मिला, जो कि हमारे देश के सिक्योरिटी के लिए काफी खतरनाक है। सिलीगुड़ी के उस एरिया को हम लोग चिकन्स नेक के नाम से भी जानते हैं। इंडिया के पार्टीशन होने से रेलवे के साथ साथ मेजर हाईवेज भी बांग्लादेश के सीमा में चला गया और इंडिया को चिकन्स नेक कॉरिडोर मिला। आज भी इंडिया के पास मात्र 22 किलोमीटर के चौड़ाई में एरिया है और उतने ही एरिया में नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला रेल लाइन और बाकी का रोड नेटवर्क बना हुआ है। ये एरिया काफी ज्यादा सेंसिटिव है, खासकर अगर किसी दूसरे देश से युद्ध छिड़ जाए तो उस टाइम पे ये एरिया काफी ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तीन देश नेपाल, भूटान और बांग्लादेश का बॉर्डर है और चाइना का बॉर्डर भी यहाँ से काफी पास में पड़ता है, तो इसी से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अलग अलग रास्तों से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने पर जोर दे रही है, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है कलादान प्रोजेक्ट। तो चलिए बात करते हैं 1947 में बांग्लादेश के बनने के कारण नॉर्थ ईस्ट में जो रेलवे कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी उसके बाद मात्र 2 साल में इंडियन रेलवे के द्वारा काफी फास्ट और रिकॉर्ड टाइम में रेल लाइन को बनाकर नॉर्थ ईस्ट को फिर से रेलवे से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद लगातार नॉर्थ ईस्ट में रेलवे की कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया जा रहा है।
अभी नॉर्थ ईस्ट में 3 स्टेट्स की कैपिटल तक रेलवे की कनेक्टिविटी है, लेकिन अगले 3 साल में नॉर्थ ईस्ट के सभी कैपिटल सिटी तक रेलवे की कनेक्टिविटी हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं नागालैंड की कैपिटल सिटी कोहिमा को रेलवे से कनेक्ट करने वाला प्रोजेक्ट धनसिरी जुब्जा रेल लाइन प्रोजेक्ट को। दोस्तों, वर्तमान में नागालैंड में एकमात्र रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है दीमापुर रेलवे स्टेशन। स्टार्टिंग में प्लान था कि दीमापुर से ही नागालैंड की कैपिटल सिटी कोहिमा को कनेक्ट किया जाए, लेकिन बाद में इस रेल लाइन को रिवाइज करके धनसिरी से इस रेल लाइन को स्टार्ट किया गया। धनसिरी जुब्जा की लेंथ 82.5 किलोमीटर है। इस रेल लाइन में सिंगल ट्रैक पर डीजल लोकोमोटिव चलाने का इंडियन रेलवे का प्लान है। दिसंबर 2019 तक इस रेल लाइन में 25% वर्क कंप्लीट हो गया था। इस रेल लाइन से नागालैंड की कैपिटल सिटी कोहिमा के पास जुब्जा तक रेल पहुंचाई जाएगी। जुब्जा से आगे भी कोहिमा में रेलवे स्टेशन बनाने के लिए सर्वे कंप्लीट हो गया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में लैंड एक्विजिशन यानी कि जमीन अधिग्रहण अभी तक नहीं हुआ है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का कहना है कि बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी नागालैंड में गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक लैंड एक्विजिशन कंप्लीट नहीं किया गया है, तो लैंड एक्विजिशन का काम नहीं होने के कारण इस प्रोजेक्ट में डिले हो सकता है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये प्रोजेक्ट 2023 तक कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद नागालैंड की कैपिटल सिटी कोहिमा तक रेल सर्विस स्टार्ट हो जाएगी और नॉर्थ ईस्ट में रेलवे का विस्तार होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट में सजेशन दे सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता रहता हूं। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।